अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। देखिए, जीव परमात्मा को पाने के लिए अनेकों यात्राएं करता है, भटकता है, भटकता है, निरंतर भटकता है, होता है कि नहीं होता? लेकिन वही जीव को जब परमात्मा मिल जाता है तो वही जीव तब लेजी हो जाता है। प्राप्त हो गया ना, कोई भी चीज हमें प्राप्त हो जाए हम उसकी वैल्यू कम कर लेते हैं, आंकलन कम कर लेते हैं। इसी यशोदा ने सैकड़ों सैकड़ों वर्षों की तपश्चर्या की थी भगवान को बाल रूप में पाने के लिए। वही यशोदा आज, पहले एक घटना हुई, भगवान जो है जब पूतना आई तब मां ने छोड़ दिया अकेला, तब घटना घट गई थी। आज पुनः इसने अकेला छोड़ दिया है। भगवान कह रहे हैं जीव को ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं समझाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने लीला की और शक्तासुर ने वो पूरा शतक पलट दिया, बड़े बड़े नांद घी दूध आदि इत्यादि सब बड़बड़ करके गिरने लगा, सब लोग दौड़े, सबने देखा ये क्या हुआ। कृष्ण को उठाया गया, छकड़ा चुकी उल्टा हो चुका था, मां दौड़ी, मां ने अपने कलेजे से लगाया। लेकिन तब तक एक घटना घट चुकी थी और वो घटना ये कि जब भी जीव परमात्मा से दूर जाएगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट जैसी स्थिति आती आती है, तुम्हें कौन संभालेगा, तुम किससे संभले जाओगे, तुम्हें ये समझना होगा। अपने जीवन की इस स्थिति को जानकर देखो कि तुमने बड़ी मशक्कतों से तो ईश्वर को पाने की चेष्टा की थी, बड़ी मशक्कतों से परमात्मा तुम्हें मिले थे, और उस सबके बावजूद, उस सबके बावजूद घटना घट जाती है। और घटना घटती है ये कि आप भूल जाते हो परमात्मा को। भगवान ने यही दर्शन दिया है, अगर तुम मुझे प्राप्त कर चुके हो या तुम्हें मेरा सानिध्य मिल रहा है, चाहे वो सत्संग के माध्यम से, तीर्थों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, सनातन संस्कृति के माध्यम से, जैसे भी प्राप्ति हो रही है, अगर तुम्हें प्राप्ति हो गई है तो इस प्राप्ति से फिर आप चूकना मत, फिर इस प्राप्ति से चूकने की चेष्टा मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। बाल लीलाओं के दर्शन सिर्फ मनोरंजन नहीं है, सिर्फ माधुर्यता की प्राप्ति नहीं है, उसके विज्ञान, उसके 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 संबंध को समझना बहुत जरूरी है। ये 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 जो स्थिति है सिर्फ माखन लीला नहीं है, ये सिर्फ गोपियों के साथ खेलना कूदना नहीं है, ईश्वर इसके लिए नहीं आता, ये एक दर्शन है। लेकिन प्रत्येक दर्शन में एक विज्ञान है, प्रत्येक दर्शन में एक सीख है, प्रत्येक दर्शन में एक समाज के प्रति संदेश है, और उस संदेश को जानने के लिए ही हम हैं और बताने के लिए परमात्मा है। ये हमें निरंतर जानते रहना है, निरंतर जानते रहना है और अपने आप को जोड़े रखना है। जो जोड़े रखोगे तो आपकी दिव्यता बढ़ती रहेगी और आप एक दिन उस स्थिति को प्राप्त कर लोगे कि जिस दिन गोविंद आपके कंधे पर स्वयं हाथ रख देंगे, स्वयं रख देंगे।